शाम को 6 बजे लाइट में लगा, सुबह 4 बजे अपने घर लौटा। जो व्हाट्सएप पे नंबर आ रहे हैं उंगलियां थक गई, 90% स्विच ऑफ है और कहीं पर भी कुछ नहीं मिला। एक ओर महामारी की मार और दूसरी ओर एक एक सांस का संघर्ष। केंद्र और केजरीवाल सरकार के तमाम दावों और भरोसे के बावजूद दिल्ली में हालात बदल नहीं रहे हैं। परिवार वाले मरीजों को लेकर अस्पताल दर अस्पताल भटक रहे हैं और जो मरीज अस्पताल में भर्ती हैं उनकी भी सांसें अटकी हुई हैं, क्योंकि दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत कम नहीं हो रही है। एम्बुलेंसेस खाली खड़ी हैं क्योंकि इनके एम्बुलेंसेस में ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो खाली पड़े हैं और एम्बुलेंस ड्राइवर्स हमें यही बता रहे हैं कि ऑक्सीजन लेने के लिए एम्बुलेंसों को भी 3-3 घंटे लाइन में खड़े होकर इंतजार करना पड़ रहा है। और इस वक्त जो नारायणा का फिलिंग स्टेशन है, ये एम्बुलेंस ड्राइवर हमें बता रहे हैं कि नारायणा का जो सबसे बड़ा फिलिंग स्टेशन है वहाँ पे इस वक्त ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन टैंकर का इंतजार हो रहा है। ऑक्सीजन को लेकर ये लड़ाई सिर्फ अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए नहीं है, कई ऐसे मरीज भी हैं जिसका इलाज घर पर ही चल रहा है और उनके परिवार वाले भी अपनों को ऑक्सीजन दिलाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, लेकिन सबको ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही है। मेरे फादर इन लॉ जो 80 साल के हैं बहुत ही सीरियस हैं, ब्रदर इन लॉ भी क्रिटिकल है। मुझे पता चला कि यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई है, मैं तुरंत ऑटो में सिलेंडर डाल के लाया हूँ। यहाँ पता चला कि अभी ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है, सुबह 4 बजे तक इन्होंने बांटा था, हमें ऐसा पता चला था कि 11 बजे तक ये बांट रहे हैं तो हम भागे भागे आए यहाँ पर। ऑक्सीजन मिली नहीं मैडम जी, कम से कम बस 6-7 सिलेंडर खाली है, 8-7 गाड़ी है ना खाली सारा। कितनी गाड़ी है? 6 गाड़ी है हमारे पास में, मगर सारी ऑक्सीजन ही नहीं मिला तो खड़ी हुई है। ये नरेना प्लांट है इसका, वहाँ से भराते वहाँ भी लाइन लगी रहती है, नंबर ही नहीं आता। कुल मिलाकर दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर अब तक हालात ऐसे नहीं कि मरीज और बाहर उनके घर वाले चैन की सांस ले सकें। केंद्र सरकार ने दिल्ली का ऑक्सीजन कोटा बढ़ाया है, लेकिन केजरीवाल इसे पर्याप्त नहीं बता रहे हैं। ऑक्सीजन की काफ़ी कमी महसूस हो रही है हमने। हाँ, दिल्ली की इस वक्त ज़रूरत 700 टन की है और हमें केंद्र सरकार से 480 टन अलॉट हुई है, लेकिन ये पूरी अलॉटमेंट भी अभी दिल्ली में नहीं आ रही है। ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने देश के बड़े उद्योगपतियों को भी चिट्ठी लिखी है, ऐसे में उन्हें देश के कुछ और बड़े प्लांट से मदद की उम्मीद है। कोरोना संकट के चलते केजरीवाल दिल्ली में 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत बता रहे हैं। सरकार का दावा है कि उन्हें अभी करीब 335 टन ऑक्सीजन ही मिल पा रही है। इस बीच राजधानी में ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बार फिर फटकार लगाई, साथ ही ऑक्सीजन टैंकरों को रोके जाने पर नाराजगी जताई। इस बीच केंद्र सरकार ने मेडिकल ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए फैसला किया है कि लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इलाज के लिए किया जाएगा, किसी भी सूरत में इसका इस्तेमाल उद्योगों में या किसी दूसरे काम में नहीं किया जाएगा। वहीं लिक्विड ऑक्सीजन का उत्पादन करने वालों से कहा गया है कि वो अपना उत्पादन अधिकतम संभव सीमा तक बढ़ाएं। कमलजीत संधू के साथ अनिशा माथुर, दिल्ली आज तक।